बिहार देख रहा है आपको, स्वीकार करते हो क्या? अरे कैमरे वाला भी मेरे पर से हटकर पीछे जरा देखे, मैं फिर से पूछता हूँ, स्वीकार करते हो क्या? क्या राजनीतिक गठजोड़ बदलकर पीएम बन सकते हैं नीतीश बाबू? राजनीति में आने के बाद से उन्होंने कई लोगों को धोखा दिया है। लालू जी सावधान रहें कि नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे पर नीतीश लालू पर जमकर निशाना साधा। और मित्रों, नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं? षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? कौन रोकता है? आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि षड्यंत्र करने वाले आपके साथ सत्ता में भागीदार बनकर बैठे हैं। आरजेडी जेडीयू सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार में जंगल राज का खतरा है, बस 2024 में बिहार अपना फैसला सुना दे तो 2025 में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में ही बिहार के जंगलों से उग्र वामपंथ खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को सशक्त कर रही है। आपकी हिम्मत नहीं है उन तक हाथ लगाने की। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को, और एक नए नए नेता बना है ललन सिंह जी को, भैया ये चारा घोटाले की आप बूम लगाते थे, अब क्या करोगे? चारा घोटाले करने वाले तो आपके यहां मंत्री बन गए, क्या पूछोगे उनको, कैसे पकड़ोगे? और मंत्री बनते ही लालू के दबाव में सीबीआई पर बैन लगाने की सोच रहे हैं। सीबीआई पर बैन, नीतीश जी एक जमाना था आपने सीबीआई में पिटीशनें करवाई थी, आज लालू के भय से, सत्ता के मोह से आप फिर से सीबीआई की साथ जाने की जगह सीबीआई के खिलाफ बैठे हो। मित्रों, पूरे बिहार पर जंगल राज का खतरा मंडरा रहा है। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, 24 में एक बार आपका पर्चा बता दीजिए, 24 में एक बार बिहार अपना फैसला सुना दे कि बिहार में अब अगर शासन चलेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन चलेगा। वहीं शाह ने बिहार की जनता से कहा कि लालू और नीतीश से डरना मत, इनसे भी ऊपर मोदी सरकार है।